स्टूडेंट वेलकम टू सी आर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। बेटा हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे, संधि के बारे में जानेंगे। बेटा अपने अपने बुक ओपन कीजिए। बेटा संधि क्या होती है? संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है मेल। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल, यानी कि मिलना। जब दो अक्षरों के परस्पर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जब दो अक्षर आपस में मिलते हैं तो उनसे जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। जैसे देखो, हिम जमा आले, हिम जमा आले, तो मैंने कौन सा स्वर हो गया? ए प्लस इसमें आले में आ। जो प्रथम शब्द है उसका आखिरी वर्ण का में जो स्वर है ए, और दूसरे शब्द का प्रथम स्वर आ। ए और आ मिलकर क्या बन गए? आ। तो ये क्या बन गया? हिमालय। क्या बन गया? हिमालय। तो संधि क्या होती है? संधि होती है जब दो अक्षर आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, वह संधि कहलाता है। संधि एक होता है संधि विच्छेद। क्या होता है? संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होता है? विच्छेद यानी कि अलग करना, अलग करना। संधि विच्छेद क्या होता है? अलग करना। जो संधि के नियमों द्वारा अक्षरों को फिर से पहली ही अवस्था में लाना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे देखो, विद्यालय, विद्यालय, हमने इसका संधि विच्छेद करना है तो कैसे होगा? विद्या जमा आलय, विद्या जमा आलय, ये क्या हो गया? विद्यालय। आ प्लस आ, आ और आ मिलकर क्या बन गए? आ। तो विद्यालय, ये संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का अर्थ क्या होता है? अलग करना। और संधि का अर्थ क्या होता है? मेल, यानी कि मिलाना। अब आता है आपका, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक स्वर संधि, नंबर दो व्यंजन संधि, नंबर तीन विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। संधि, आज हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि, ये क्या होती है? स्वर संधि, स्वर संधि जब दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या मिलते हैं? दो स्वर जब आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि ये पांच प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? पांच प्रकार की स्वर संधि। स्वर संधि पांच प्रकार की। नंबर एक दीर्घ संधि। स्वर संधि पांच प्रकार की होती है। नंबर एक दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। नंबर दो गुण संधि। नंबर तीन वृद्धि संधि। नंबर चार आयादि नंबर चार यण संधि। नंबर पांच
आयादि संधि। देखो दीर्घ संधि क्या होती है, दीर्घ, दीर्घ मीन्स होता है बड़ा, क्या होता है बड़ा। दीर्घ संधि किसी भी स्वर का दीर्घ, ठीक है, या हर्ष्वर। हर्ष्वर कौन से होते हैं, हर्ष और दीर्घ, दो स्वर होते हैं, ए ई और ये उ और ये री, ये क्या होते हैं हर्ष्वर। और दीर्घ स्वर आ, बड़ी ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर होते हैं। जब हर्ष्वर और दीर्घ स्वर के बाद क्या आ जाए, हर्ष्वर और दीर्घ स्वर ही आ जाए, तो वो कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि। जब हर्ष्वर और दीर्घ स्वर दोनों के रूप के बाद हर्ष्वर और दीर्घ स्वर ही आ जाता है तो कौन सी संधि आती है, यानी कि समान स्वर मिलते हैं तो वो कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि। जैसे देखो सार प्लस अंश, सार प्लस अंश, तो सार में ए प्लस ए, ए प्लस ए क्या बन गया आ, तो ये क्या बन गया सारांश, सारांश, ठीक है। जैसे हिमालय, 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 हिमालय की कैसे करेंगे, हिम जमा आलय, ए प्लस आ, यानी कि ए और आ, हर्ष्वर और दीर्घ स्वर, या हर्ष्वर जैसे विद्यालय, विद्यालय का विद्या प्लस आलय, तो इसमें आ प्लस आ, यानी कि समान स्वर। दीर्घ में आ दिए, दीर्घ स्वर हो गए आ प्लस आ, क्या बन गया आ, तो ये क्या बन गया विद्यालय, ये दीर्घ संधि होती है। दीर्घ संधि अब आती है आपकी यण संधि, ये गुण संधि, क्या आती है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, ए आ, ए आ के आगे क्या आता है ई, ठीक है, बड़ी ई और उ, बड़ा उ और री, री, गुण संधि। गुण संधि में ए आ के आगे क्या लगता है, छोटी बड़ी ई, उ, उ, री, ठीक है, ये आ जाते हैं तो क्या बन जाता है ए, इसका ई का क्या बन जाता है, इनके ए ओ और आर, ए ओ और आर, ठीक है, ये बन जाते हैं ए आ स्वर के आगे ई, ई, उ, उ, री आ जाते हैं तो इनका क्या बन जाता है, ए ओ और आर, ये बन जाता है, ठीक है, ये बन जाता है। जैसे देखो नर, नर जमा इंद्र, क्या बन गया नरेंद्र, नरेंद्र, रे का रे में से ए, ए स्वर हो गया अलग और इसमें ई, तो इन दोनों का मिलके क्या बन गया ए, क्या बन गया ए, ठीक है। अब आता है राजा प्लस इंद्र, आ प्लस ई, आ प्लस ई मिलकर क्या बन गए ए, तो ये क्या बन गया राजेंद्र, राजेंद्र, क्या बन गया राजेंद्र, ये आपकी गुण संधि है। अब आती है आपकी वृद्धि संधि, क्या की वृद्धि संधि, क्या आती है वृद्धि संधि। वृद्धि का अर्थ क्या होता है, बढ़ोतरी, ठीक है, इसमें ए आ का किससे मेल होता है, ए आई से मेल होने पर क्या बन जाता है आई, और ए आ का ओ और औ से मेल होने पर क्या बन जाता है
आउट बन जाता है। जैसे देखो एक जमा एक, तो इसका क्या बन गया, एक का एक, क्या बन गया, एक का एक। कै में से ए, ठीक है, ए और ए, ए और ए, ये जमा हुआ तो क्या बन गया, ये आई, क्या बन गया, आई, ठीक है। जलोद, जल जमा ओद, ठीक है, ए जमा ओ, क्या बन गया, आउ, तो ये क्या बन गया, जलोद, क्या बन गया, जलोद। ये आपकी होती है वृद्धि संधि। अब आता है आपका यण संधि। क्या आती है, यण संधि। यण संधि में क्या होता है, यण संधि में इसमें ई और ई ऊ ऊ और री री, ठीक है, इनके बाद कोई अन्य स्वर आता है। क्या आता है, अन्य स्वर, क्या आता है, अन्य स्वर। कोई भी स्वर आ जाए तो उससे क्या बनता है, ये ई ई, ई ई का क्या बन जाता है, ये यह बन जाता है। उ उ का क्या बन जाता है, वे बन जाता है। और री का क्या बन जाता है, रह, ठीक है। ये यण संधि में, यण संधि में क्या होता है, ई ई उ उ री, इनके बाद कोई भी स्वर आता है, ठीक है, तो कोई भी स्वर आ जाए उनसे ई ई के का क्या बन जाता है, ये, उ उ का वे और री का रे। देखो यण संधि है, इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, ये वे रे, ठीक है। इनसे पहले क्या होते हैं, जो वर्ण होते हैं वो कैसे होते हैं, आधे, कैसे होते हैं, आधे होते हैं, तो ये यण संधि होती है। जैसे देखो यदि जमा अपि, ठीक है, अब ये यदि ई जमा ए, तो इसका क्या बन गया, यद्यपि, यद्यपि, क्या बन गया, यद्यपि, इनका बन गया ये, क्या बन गया, ये। जैसे देखो सु जमा आगत, सु जमा आगत, तो इसमें उ जमा आ, उ जमा आ से क्या बन गया, वाह, क्या बन गया, वाह, तो इसका क्या बन गया, स्वागत, क्या बन गया, स्वागत, ठीक है। अब ये वैसे पहले आधा वर्ण और यैसे पहले आधा वर्ण, तो यण संधि में क्या होता है, सबसे बड़ी पहचान ये वे रे, इनसे पहले जो वर्ण होते हैं वो आधे आते हैं, और इसमें ई ई उ उ री, इनके बाद कोई भी अन्य स्वर आता है तो उनका क्या बन जाता है, ई ई का ये, उ उ का वे और री का रे, रे बन जाता है। स्टार्ट बोल देना। ये आपकी अयादि संधि, अयादि संधि, अयादि संधि क्या होती है, आय, ठीक है, जैसे इसके नाम से ही विदित है, इसमें क्या होता है, ए आई ओ आउ के बाद क्या आता है, कोई भी स्वर आ जाए, ठीक है, के बाद कोई भी स्वर आ जाता है तो ए का क्या बन जाता है, आय, ठीक है, आई का क्या बन जाता है, ये आय, ठीक है, और ओ का क्या बन जाता है, आओ, और आउ का क्या बन जाता है, आउ का आ, क्या बन जाता है, आ। अयादि संधि में क्या होता है, ए आई ओ आउ, इनके बाद कोई भी स्वर आ जाता है तो उसमें ए का क्या बनेगा, ए का बनेगा अय, ठीक है, आई का बनेगा ये आय, और ये
ओ का आओ और आओ का आओ। अब जैसे देखो पो प्लस अन क्या बन गया, पवन। क्या बन गया, पवन। ओ प्लस ये पवन, ठीक है, अन पवन। फिर नयन, 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 ने प्लस अन, तो इसका ने का ए प्लस ए, ए प्लस ए, ये क्या बन गया, आया। क्या बन गया, आया, तो नयन, ठीक है। अब जैसे पो प्लस अन, पो प्लस अन का क्या बन गया, पवन, यानी कि ओ प्लस अन पवन। आ गया समझ में, अयाति संधि में क्या होता है, अयाति संधि में ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आ जाता है तो उसमें ए का तो आय बन जाता है, आई का आय और ओ का आउ, ओ का आउ, ठीक है, और आउ का क्या बन जाता है, आ, ये बन जाता है। और इस संधि की सबसे बड़ी पहचान क्या है, इसमें जो शब्द होते हैं वो तीन अक्षरों के ही होते हैं, ठीक है, यस।